The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, aadab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. और आज बात होगी आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशंस की। ये क्या होते हैं, ये मेडिकली एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में नॉर्मल जाने वाली खून की नसों को एंटेंगल कर दे, खून की नसें जो हैं गुचड़ मुचड़ हो जाए, वेन आर्टरी जो कनेक्ट करती हैं वहाँ पर मैलफॉर्मेशन हो जाए। तो क्या होगा, वहां पे फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन डिसरप्ट हो जाएगा, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी। तो आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन लेके जा रही हैं हार्ट से, मान लो आपके ऑर्गन्स में, ब्रेन तक, वेन्स जो हैं वो वापस लेके आ रही है बिना ऑक्सीजन के वाला ब्लड लंग्स और हार्ट में। सो ये सिस्टम आपको अच्छे से पता है। जब एक आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन होता है तो वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है, वहाँ पर जो भी टिश्यू है, आसपास का एरिया है, वहाँ उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आसपास का वो एरिया, वो हिस्सा कमज़ोर होता जाएगा और वो इवन अफेक्टेड जो आर्टरीज हैं, जो वेन है, वो फूल जाएंगी और फट सकती हैं, वो एन्यूरिज्म बना सकती हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी चीज़ ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, डेथ हो सकती है, ब्रेन डेथ हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकता है एवीएम। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथों में हो, चेहरे पे हो, पैरों में हो, कहीं भी हो सकता है ये आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन। एक बार ये हो गया तो उसके बाद ये खुद से ठीक नहीं होता, या तो ये आगे होता जाएगा या तो ये ऑपरेट करके ठीक करना पड़ेगा। क्यों होता है इसका कोई कारण नहीं है, और जेनेटिक है ऐसा भी पक्का नहीं है, रेयर होता है कि ये जीन्स के साथ आपके आए, ये सिर्फ किसी किसी में हो जाता है। एक बार डायग्नोस हो गया तो उसको, नंबर एक, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने से रोका जा सकता है, मगर एक बार डायग्नोस हुआ तो डायग्नोसिस के लिए पहले सिम्टम समझने होंगे। सिम्टम क्या होते हैं आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन के? एक आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन डिपेंड करेगा वो कहाँ है, ब्रेन में है, लंग्स में है, हाथ में है, पैर में है, पेट में है, उसके हिसाब से सिम्टम आएंगे। मगर कई जगहों पे ये इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, खासकर ब्रेन में हो तो इट कैन कॉज हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग, सीजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी, ब्लीडिंग है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई फंक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी ये मसल वीकनेस कर सकता है, एक पार्ट का पैरालिसिस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कर सकता है, टास्क में कोई टास्क में करने में प्रॉब्लम हो सकता है, पैरों में वीकनेस हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, विजन प्रॉब्लम, आई में प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, स्पीच प्रॉब्लम हो सकता, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं ब्रेन अकेले में। हाथ पैरों में हो तो कई बार सिर्फ सूजन होगी, राइट, और छोटे बच्चों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में हाइड्रोसेफेलस जैसी चीज हो सकती है, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इनसाइड द ब्रेन कैन बी हाइड्रोसेफेलस। बच्चों में फेलियर टू थ्राइव हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है मैलफॉर्मेशन उल्टा सीधा, तो नसें हार्ट में उल्टी सीधी बनेंगी तो हार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन इस तरह से प्रेजेंट होंगी। अल्टीमेटली जब भी ये देखा जाएगा, कभी अल्ट्रासाउंड में, कभी सीटी स्कैन में, कभी एमआर एंजियोग्राफी में, सीटी एंजियोग्राफी में पता चलेगा कि जो एवी मैलफॉर्मेशन है, आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन है। जब भी आपको ऐसा कोई साइन सिम्टम है उल्टे सीधे, तो आप
आपको सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ेगा जो कि एवीएम का एक डायग्नोसिस बना सकता है। तो एवीएम एक बार आर्टरियोवेनस मैलफॉर्मेशन पकड़ में आ गया तो उसके रिस्क फैक्टर को देखना होता है कि भाई इस इंसान को ये क्यों हुआ। नंबर एक, जैसे मैंने कहा, हेरिडेटरी कंडीशंस कम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हेरिडेटरी हिमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया HHT, जिसको हम ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक बहुत रेयर सी बीमारी लेकिन है, ये एक बीमारी है जो AVM का रिस्क बढ़ा देती है, तो वो तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बाकी सारे कंडीशंस में ये रेयरली हो सकता है। अगर ये होता है, हो गया है, तो कई बार अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन इसका ब्लीडिंग हो सकता है और क्लॉट्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग या क्लॉट्स, और कई बार इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि कई बार हो सकता है हाथों में हो, पैरों में, और बहुत छोटा है, सिग्निफिकेंट नहीं है, अगली बार देखेंगे, 6 महीने बाद आओ, साल भर बाद आओ, 2 साल भर आओ, ऐसा आ सकता है। फिर डायग्नोसिस के लिए जैसा मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, जब आप किसी ऐसी जगह पे जहां आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन है वहां पे आप स्टेथोस्कोप रखते हो तो स्टेथोस्कोप में एक डिफरेंट साउंड आ सकती है क्योंकि वहां पर टर्बुलेंस होगा ब्लड का, नॉर्मल फ्लो की जगह एबनॉर्मल फ्लो होगा, तो यू कैन हियर अ ब्रुइट। ब्रुइट इज समथिंग लाइक वाटर रशिंग थ्रू अ नैरो पाइप, ऐसी साउंड आती है जो कि आपको कई बार पेशेंट को आ सकती है बहुत बार, और पेशेंट को सुनाई देती है ब्रुइट बार बार, और उसको स्लीप में या उसके बिहेवियर में फर्क कर सकती है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी कर सकती है, ऐसी साउंड कहाँ से आ रही, दिमाग खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट। इसको देखने के लिए हमें जो करनी होती है टेस्ट वो होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मीन्स खून की नसों को देखना। ब्रेन में देखने के लिए सेरिब्रल एंजियोग्राफी, जिसमें एक डाई डाली जाती है आपके आर्टरी में और आपका सीटी स्कैन किया जाता है या एक एमआरआई भी कर सकते, एमआरआई या सीटी स्कैन बेस्ड एंजियोग्राफी की जाती है, और उसके अलावा ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड नाम की भी एक चीज़ है जिसमें सीधा ब्रेन के अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बाकी सारे हिस्सों में शरीर के पहले अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। फिर डाउट लगता है तो एंजियोग्राफी करते हैं, पैर की, हाथ की, पेट की, लंग्स की, काई की भी। अब अगर मिल गया, कहां पर है उस पर डिपेंड करेगा इसका ट्रीटमेंट। अगर तो कोई मेजर सिम्टम नहीं है तो हो सकता है मॉनिटर किया जाए, रेगुलर इमेजिंग टेस्ट किए जाए और आपके बीपी, हार्ट रेट उसको मॉनिटर करा जाए। अगर तो ट्रीटमेंट कब चाहिए, एवीएम को, एट्रियोवेनस मैलफॉर्मेशन को ट्रीटमेंट चाहिए ओनली इफ उसमें ब्लीडिंग हो रही है, इफ अगर एवीएम में ब्लीडिंग हो रही है, इफ एवीएम बहुत ही इतने ऐसी जगह पे है और ऐसा छोटा सा है कि उसको पूरा निकाल के फेंक दिया जा सकता है तो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। या फिर एवीएम जो है एक वो ब्रेन के ऐसे पार्ट में है जो जहां पर पहुंचा जा सकता है तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तब ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्लीडिंग हो गई है या तो बहुत छोटा निकाल देंगे या तो ऐसे पार्ट में है जहां पहुंचा जा सकता है, वरना क्या आगे चल के बड़ा हो गया तब कुछ नहीं कर सकते। और मेडिसिन जो है वो खास कुछ नहीं कर सकती, मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, हेडेक हो रहा है तो हेडेक की मेडिसिन, बैकएक हो रहा है तो बैकएक की मेडिसिन, दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की मेडिसिन, मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। फिजिकल प्रॉब्लम है ये, मैलफॉर्मेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, उसमें दवाई कुछ नहीं कर सकती। सर्जरी जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी जैसे मैंने कहा, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग का रिस्क है तब कंप्लीट एवीएम को निकाला जा सकता है, और अगर एवीएम बहुत स्मॉल है, छोटा है, तो एवीएम पूरा निकाल के पूरा रिस्क खत्म हो सकता है। बहुत बड़ा है तो फिर एंडोवैस्कुलर एम्बुलाइजेशन किया जा सकता है, यानी खून की नसों से जाके उसके अंदर क्लॉट बना दिया जाता है ताकि वो एवीएम जो है वो और फूल के फूट ना जाए, ताकि वो बाईपास हो जाए, उसका एक बाईपास टाइप रास्ता बन जाता है, राइट, उस तरह का चीज़। और
स्टेरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी भी एक नाम की सर्जरी है, जो एक प्रोसीजर है जो छोटे छोटे एवीएम पे कर सकते हैं जो कि फटे नहीं है अभी तक। इसमें क्या करते हैं, इंटेंस हाई फोकस्ड बीम ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं, जिससे कि वहां का ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाता है और वहां पे ब्लड सप्लाई जो है बंद हो जाता है। तो एवीएम को जो मैल फॉर्मेशन है उसमें ब्लड ही नहीं जाता, बाकी जगहों पे जाता है। इस तरह से किया जा सकता है। ज़्यादातर जो एवीएम होते हैं वो मेन फ्लो के बाहर से होते हैं, तो हम उसको बंद कर दें तो मेन फ्लो ऑर्गन को फ्लो नहीं बंद होता, बट ऑब्वियस दैट इज इम्पॉर्टेंट, एक ऑर्गन को डैमेज नहीं कर सकते, तो मर जाएगा अंदर ही अंदर। सो ये डिसीजन कि एवीएम का क्या करना है, ये आपके डॉक्टर का है, आपके न्यूरोलॉजिस्ट का है, आपके रेडियोलॉजिस्ट का है, उनका डिसीजन है। ये आप उनसे डिस्कस करें कि भाई मेरी बीमारी क्या है, एवीएम है, अगर एट्रियोवेनस मैलफॉर्मेशन है तो उसका करना क्या है, ठीक है। स्किन में होता है तो ज़्यादातर उसमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडिएशन से उस फूली हुई नसों को सिकुड़ दिया जाता है और स्किन जो है वो जो लाल लाल दिख रही है वो नॉर्मल हो जाती है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। सो आप अपने डॉक्टर से बात करें, फॉलो अप करें, उनकी बात समझें, माने और अपने बीमारी को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को धुआंधार तरीके से, और किसी प्रकार के कोई सवाल है तो हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।